हिमाचल में रिपब्लिक डे का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के रिज मैदान पर हुआ। यहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सबसे पहले राज्यपाल ने परेड की सलामी दी। अमर सिंह की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए उनके पीछे हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस पुरुष एक सब इंस्पेक्टर जयदेव की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजर रहे हैं। इसके बाद विभिन्न विभागों की सुंदर झांकियां मंच के आगे से गुजरी। पर्यटन विभाग को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। विभाग की ओर से हेलीपोर्ट, होम स्टे और बागवानी टूरिज्म से संबंधित झांकी निकाली गई। को धराशायी करने में सक्षम है। देश में 38.10 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं हिम ऊर्जा के माध्यम से स्थापित की जा चुकी हैं। कांगड़ा जिला का दूर दराज का क्षेत्र बड़ा भंगाल भी सर्दियों के दिनों में सौर ऊर्जा से जगमगा रहा है। बड़ा भंगाल के 168 घरों और कुल्लू जिला के अति दुर्गम गांव शाक्टी मरौड़ और सुवाड़ के 58 घरों में 250-50 वाट के ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट निःशुल्क स्थापित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सांस्कृतिक दल ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना पर नाटक पेश किया। इस नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि योजना की शुरुआत आश्रमों में रह रहे बच्चों और वृद्ध लोगों की सेवा के लिए की गई है। इसमें कांग्रेस के सभी 40 विधायक अपने वेतन से 1-1 लाख रुपए देंगे ताकि योजना के लिए बजट का प्रावधान हो सके। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 101 करोड़ के बजट की घोषणा की है। आप पाए अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।